बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत चौरहे। आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया पर एक बार फिर से एफआईआर दर्ज की गई है। इस बार उन पर एक बुजुर्ग शख्स को पीटने का आरोप लगा है। चार दिन में दिनेश मोहनिया पर दूसरी बार एफआईआर दर्ज की गई है। इससे पहले दो दिन पहले ही मोहनिया पर एक महिला से मारपीट का आरोप लगा था और ताजा मामला है तुगलकाबाद इलाके का, जहाँ आरोप है कि 60 साल के बुजुर्ग ने विधायक दिनेश मोहनिया को पहचाना नहीं और इलाके में पानी न आने की शिकायत की तो दिनेश मोहनिया ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। पीड़ित शख्स का कहना है कि विधायक दिनेश मोहनिया के साथ आए कार्यकर्ताओं ने उनका हाथ भी मरोड़ दिया और इसके बाद 60 साल के पीड़ित शख्स राकेश ने पुलिस को इसकी सूचना दी और आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। उन्होंने कहा कि ये आपके विधायक जी हैं दिनेश मोहनिया जी। मैंने कहा होंगे दिनेश मोहनिया जी, लेकिन विधायक हैं, लेकिन मैं इनको जानता नहीं हूँ और जो उनको नहीं जानता है तो दिनेश मोहनिया जी ने मेरे इतनी जोर से थप्पड़ मारा, मैं खुद लड़का आ गया। जब नहीं जानते तो नहीं जानते, विधायक है तो थप्पड़ मारेगा क्या मेरे को? तो ऐसे तो मर गया, जिसको मार सकता है वो। तो मैंने देखा कि मेरे पड़ोसी में दिनेश मोहनिया ने थप्पड़ मारा और दूसरा थप्पड़ चला रहे थे तो उन्हीं के साथ ही लोगों ने उनका हाथ पकड़ा और उसके बाद वो लोग यहाँ से चले गए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश तिवारी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद है। ब्रजेश, ना सिर्फ यहाँ पीड़ित इस तरह का आरोप आम आदमी पार्टी के विधायक पर लगा रहे हैं बल्कि कुछ चश्मदीद भी हैं जो इसी तरह की बात कह रहे हैं, अब किस तरह की कार्रवाई कर रही है पुलिस? प्रशांत देखिए, पहले पूरे मामले में दिनेश मोहनिया पर ये पहला कोई आरोप नहीं है। दिनेश मोहनिया तो पहले भी इस तरह के आरोप लग चुके हैं कि वो पानी की समस्या को लेकर जब भी उनकी बात कोई जाता है वो उनके साथ मारपीट करते हैं। खास बात यह है कि दिनेश मोहनिया से मिलने जब स्थानीय लोग की अगर माने तो वो पहले भी जब गए दिनेश मोहनिया के पास तो कई बार तो दिनेश मोहनिया उनसे मुलाकात भी नहीं करते। बहरहाल अब इस पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है पीड़ित की शिकायत पर। पीड़ित ने और चश्मदीदों ने जो कुछ बताया उसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जो पुलिस की जांच है वो आगे चल रही है। हालांकि दिनेश मोहनिया का साफ कहना है कि वो उस वक्त जब उन पर आरोप लगा वो उस इलाके में थे ही नहीं, वो दूसरे इलाके में थे और उनके पास दिनेश मोहनिया के पास कुछ चश्मदीद हैं जो ये बता रहे हैं कि वो उस इलाके में मौजूद नहीं थे। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों का भी बयान दर्ज कर रही है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है। हालांकि पीड़ित का पुलिस ने मेडिकल कराया है, उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन पुलिस का साफ कहना है कि जब तक तफ्तीश पूरी नहीं हो जाएगी तब तक कार्रवाई में थोड़ा सा विलंब होगा, लिहाजा पुलिस अभी दोनों पक्षों के बयान वो दर्ज कर रही है। शुक्रिया ब्रजेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इस पूरे मामले में अब दिल्ली पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ रही है।